हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बहुत ही सिंपल सा चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और थोड़े बहुत मार्क्स का ही आता है पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो किस तरह अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। ठीक, उसके ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट से और दो होते हैं, सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर। सेप्रोफाइट्स आर द प्लांट्स, प्लांट्स होते हैं, फंगस होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटीरियल। जो सड़ा हुआ खाना खाते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऐसे डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर और वेस्ट मटेरियल एंड रिलीज न्यूट्रिएंट। डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं सॉइल में, तो ये हमारा एक एनवायरनमेंट क्लीनिंग का भी काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ठीक है, तो एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, तो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में उनको कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, लिविंग कंपोनेंट जो हमारे प्रेजेंट में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इंक्लूड्स बोथ, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स भी हों और जिसमें प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है, जो इंटरेक्ट करें दोनों के साथ, वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ हो तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम, जिसमें अबायोटिक हो, बायोटिक हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डेफिनेशन कि इट रेफर्स टू वेरियस लेवल्स इन अ फूड वेब एज पर द फ्लो ऑफ एनर्जी। एक रेफर करता है बहुत सारे लेवल्स एक फूड वेब में। इट रेफर्स टू वेरियस लेवल इन अ फूड वेब एज पर द फ्लो ऑफ एनर्जी। इट रेफर्स टू द वेरियस लेवल इन अ फूड वेब, मतलब बहुत सारे लेवल एक फूड वेब में या फिर एक फूड चेन में एज पर द फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है ये दोनों चीज डिकम्पोजर सके, तो आपको ये चार ही ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आते हैं पिरामिड ऑफ ट्रॉफिक लेवल। पिरामिड क्या होता है, तो पिरामिड होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी पिरामिड ऑफ नंबर, एक नंबर का पिरामिड हो सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। मतलब इसमें हम ये दिखाते हैं कि एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है एक पिरामिड के फॉर्म में। ऑल पिरामिड स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर, ये भी ध्यान रख लेना, जितनी भी फूड चेन से सारी प्रोड्यूसर के स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो हमने वैसे ये वाला चैप्टर पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत सिंपल चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, तो कार्बोनेट्स कंपाउंड है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसको हम बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर गिव्स अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब नंबर का मतलब पिरामिड ऑफ नंबर में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताए हमने। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास गिव्स द बायोमास ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जो हमें बायोमास बताए उसे कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो हमें एनर्जी का लेवल बताए। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी को शो करे, जैसे मैं दिखा रहे हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ऐसे यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और ये डिकम्पोजर से आपके सिलेबस में भी है नहीं। उसके बाद जो सन है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। मैं आपको नेम बताता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा लॉ है जो हमें ये बताता है कि ना एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना वो जनरेट हो सकती है, ना वो क्रिएट हो सकती है ना जनरेट हो सकती है। ठीक है, ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो तो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। जैसे कि हम जब फोन पे बात करते हैं तो जो हमारी एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर फोन लाइन के मतलब जैसे भी जाती है वो साउंड की फॉर्म में दोबारा निकलती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको एनर्जी फ्लो क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का होना। कैन बी रिप्रेजेंट बाय पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसको हम पिरामिड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन एनी फूड चेन ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, मतलब एक फूड चेन में 10% तक ही एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो एक 10% लॉ हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। फूड चेन क्या होती है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज सोर्स ऑफ फूड। एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम जिसमें
जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड हो। नेक्स्ट आते हैं फूड वेब पे। फूड वेब होता है इंटरकनेक्शन फूड चेन्स का, ठीक है, ये होता है इंटरकनेक्शन फूड चेन्स का। और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु इट्स होम, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कौन किसे खाता है, कौन किसे खाता है, हमें से ही पता चलता है। तो ये होगी फूड वेब की। देखो इससे ट्री, ट्री से जिराफ भी कनेक्टेड, जिराफ इससे भी कनेक्टेड, या ये इससे भी कनेक्टेड, तो मतलब ये मिक्सचर है एक तरह का सारे ऑर्गेनिजम्स का, ग्रास लैंड का फूड वेब है। अब क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इकोसिस्टम की, तो इंक्लूड समरी ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, ये हमें क्या बताता है समरी ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स और एनर्जी फ्लो एंड पिरामिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है अब पिरामिड्स की, एनर्जी फ्लो दिखाता है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है ऐसी चीज़ जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का कॉम्बिनेशन है। अनलाइक इकोसिस्टम देयर नीड नॉट टू बी एनी नेसेसरी इंटरेक्शन बिटवीन देम। अनलाइक इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम में वहाँ तो इंटरेक्शन होता है लेकिन एनवायरनमेंट में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो ये बात गौर करने की है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में दो तरह का होता है, एयर पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन बहुत सारे चीज में होता है लेकिन हमें इसमें एयर पॉल्यूशन ही नहीं है। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जब एयर में पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो अर्थ के लिए बहुत बेकार हो वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके सोर्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं, फॉरेस्ट फायर है, स्टॉर्म है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है। मेन मेड क्या है, पावर प्लांट्स हैं, होम्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, ट्रांसपोर्ट है। अब देख रहे होंगे कि कितना पॉल्यूशन निकलता है इंडस्ट्रीज वगैरह से, तो वो हमारे मेन मेड सोर्स है। नेक्स्ट क्या होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन की, तो ओजोन लेयर है जो थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से बन रही है वो डिप्लीट क्यों हो रही है, ठीक है, वो डिप्लीट क्यों हो रही है, तो इसका जो मेन रीजन है वो सी एफ सी से रोटी जो कि हमारे एसी एयर कंडीशनर से या फिर रेफ्रिजरेटर से। तो ओजोन लेयर का रोल क्या है, वो प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को फ्रॉम सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हमारे जो सन है उसकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये लेयर डिप्लीट हो जाएगी ना तो बहुत सारे जो डिजीज है वो अर्थ पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे नए नए। अब गार्बेज मैनेजमेंट क्या होता है, गार्बेज मैनेजमेंट मतलब गार्बेज को मैनेज करना, ठीक है, हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं स्टेप, तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कलेक्शन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग और डिस्पोजल ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अभी सकते नहीं आ सकते। नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में जैसे कि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको कोई ब्रेक कर दे छोटे सब्सटेंस, छोटे सब्सटेंस में दो से कहते हैं डीकम्पोजर्स, तो ये होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन मतलब सड़ना, तो जैसे आप डंग देखते हो तो डंग भी सड़ता है तो उसको हम एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं, तो बायोडिग्रेडेशन वही होता है डीकम्पोजिशन ऑफ गार्बेज और वेस्ट मटेरियल बाय बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं उसका वेट करना, जल्दी वीडियो मिल जाएगी। तो बाय बाय, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो।